टांडा पुलिस की टीम ने बड़े स्तर पर नशे का कारोबार करने वाले दो भाइयों को काबू करने का दावा किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई दौरान दोनों में से एक भागने में सफल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि उक्त दोनों भाई भारी मात्रा में ड्रग्स तथा हेरोइन बेचते हैं। सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान उन्होंने आरोपियों को काबू किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 150 ग्राम हेरोइन, 1,54,860 रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक देसी कट्टा, एक मैगजीन, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड तथा गाड़ी भी बरामद की गई है और दूसरे आरोपी की खोज अभी जारी है। इस मौके जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आप भी सुनिए। एसएसपी गौरव गर्ग जी के दिशा निर्देशों हेठ डीएसपी गुरप्रीत सिंह और एसएचओ टांडा के पास इनफॉर्मेशन थी जी भी इतने परमजीत सुखबीर सिंह दोने सगे भाई ने देखा उन्होंने काफ़ी उन्होंने इनफॉर्मेशन कि उन्होंने को ड्रग्स का काम करते हैं लोगों को सप्लाई करते हैं। पैट इनफॉर्मेशन आधार से उन्होंने नाका लाया से ग्राउंड मोड़ से जो उन्होंने एसयूवी गड्डी आती दिखी तो उन्होंने एक बंदा नठिया तो जो पीछा किया पर काबू नहीं आ सकया। दूजा वह भरा परमजीत जिन्हों मौके तो अरैसट किया गया तो परमजीत की अरैसट तो बाद 150 ग्राम जरा सुखबीर सुट के रखा से 150 ग्राम हीरोइन उस तो अलावा तलाशी तो बाद पिस्टल एक देसी 315 फोर का कट्टा 13 मोबाइल तो एक लैपटॉप बरामद किया गया जिहड़ा उहदा भरा सुखबीर सिंह नठिया है उहदे खिलाफ उहदा प्रीवियस रिकॉर्ड भी ड्रग नाल रिलेटेड उहदे खिलाफ 4 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट 1 मुकदमा 379 चोरी का जिहदे च उहनां नूं मोटरसाइकिल चोरी किया गया। बाकी फर्दर इनवैसटीगेशन जारी है ते जो भी इफेक्ट आउंदे उहदे तहत कर रहे। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।